2014 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने खुद को माँ गंगा का बेटा बताया था। उन्होंने कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, मैं फिर से इस नदी को निर्मल बनाकर रहूंगा। इसके लिए उन्होंने हजारों करोड़ खर्च कर नमामि गंगे नाम से अभियान भी चलाया। लेकिन 4.5 साल बाद पीएम मोदी के इस अभियान की हकीकत सामने आ गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक न गंगा बदली न यमुना, दोनों के पानी को ही प्रदूषण ने मटमैला बना दिया है। भारत की संस्कृति में नदियों का खासा महत्व है, लेकिन देश की तकरीबन 223 नदियों का पानी इस कदर प्रदूषित है कि पीने लायक भी नहीं है। इनमें से गंगा और यमुना तो भयंकर रूप से प्रदूषित है। गंगा और यमुना के पानी में तो नहाया भी नहीं जा सकता। पावन नदियों को लेकर यह हैरान करने वाला खुलासा RTI के जरिए हुआ है। दरअसल एक NGO ने नदियों के प्रदूषण को लेकर RTI के तहत जानकारी मांगी थी, जिस पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया कि देश की 62% नदियां भयंकर रूप से प्रदूषित हो चुकी हैं। इनमें गंगा और यमुना समेत सहायक नदियां भी शामिल हैं। 521 नदियों के पानी की मॉनिटरिंग करने वाले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक देश की सिर्फ 198 नदियां स्वच्छ हैं। इनमें अधिकांश छोटी नदियां हैं, जबकि बड़ी नदियों का पानी प्रदूषण की चपेट में है। बोर्ड के मुताबिक प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण नदियों के किनारे बसे बड़े शहर हैं। शहरों में ज्यादातर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं हैं, जिनसे नदियों में रोजाना प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण का लेवल बढ़ने से नदियों के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है। इसकी वजह से जल में रहने वाले जीवों के अस्तित्व पर भी संकट है। नदियों के स्वच्छता के पैमाने पर महाराष्ट्र का सबसे अधिक बुरा हाल है। यहाँ की सिर्फ 7 नदियाँ स्वच्छ हैं, जबकि 45 नदियों का पानी प्रदूषित है। इसके बाद प्रदूषित नदियों में उत्तर प्रदेश का स्थान है। यहाँ की 11 नदियाँ प्रदूषित हैं, जबकि 4 स्वच्छ पाई गई हैं। प्रदूषित नदियों में माँ गंगा भी है, जिसकी कसम खाकर ही पीएम मोदी ने कहा था कि मैं गंगा को साफ करूंगा। लेकिन इन आंकड़ों को देखकर तो यही कहा जाएगा कि मोदी के राज में राम तेरी गंगा और ज्यादा मैली हो गई है। DB Live की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।